हेलो दोस्तों, याराना आईओटी गुरु में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक नया आईओटी क्लाउड लेके आऊँ जिसका नाम है केएमई स्मार्ट। इसका यूज़ करना काफ़ी सिंपल है और काफ़ी रिलायबल है, और इसका यूज़ कोई भी एक आईओटी नया डेवलपर है वो भी यूज़ कर सकता है। इसका यूज़ करने के लिए हमको कोई भी कोड को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे कोई भी कोड अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है कि अपने फर्मवेयर को अपलोड करना है, कुछ सेटअप्स को क्रिएट करना है और हमारा जो डिवाइस है वो रेडी हो जाएगा। इसको कैसे क्या कुछ बनाना होगा सारी चीज़ें सब लोग हम सीखते हैं, तो चलिए सबसे पहले इसका हम डेमो देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका कंप्लीट सेटअप बनाना सीखते हैं। ओके गाइस, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ और सबसे पहले यहाँ पे मैं उस वेबसाइट को ओपन करता हूँ जिस केएमई स्मार्ट को यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद इंस्टॉलेशन और कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ इसमें क्या करना है। उसके इसमें हमको कोई भी कोड वगैरह की कोई झंझट है नहीं। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी गई है, स्मार्ट डिवाइसेस केएमई कॉन्फ़िग और काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे हम कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन करके बताएंगे ही। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है, एंड इंस्टॉलेशन पे क्लिक करने के बाद हमको क्या करना होगा, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे स्टेप वन, यहाँ पे सब स्टेप वन यहाँ पे मतलब कि इनका वीडियो बना के दिखाया गया है कि क्या चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने इस नीचे आएंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डिवाइसेज हैं, जो डेवलपमेंट किट होते हैं, जो हमारा डेवलपमेंट सेटअप स्टेप्स होते हैं, मतलब कि कौन कौन सी मतलब कि कौन कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ESP32, ESP32S3 एंड ESP32C3 एंड ESP826 जो हमारा नॉन MC होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, और ESP8285 ये सून मतलब कि आने वाला है जल्दी। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि इसका वर्जन जो हमारा 12 है और भी अपडेट्स आते रहते हैं, तो यहाँ पे इस वर्जन को हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। और मैक में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम विंडोज़ के लिए यूज़ करेंगे क्योंकि मैक में अभी बीटा वर्जन में है तो उसमें कुछ बग्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम विंडोज़ का यूज़ करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे। एंड डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे वेट, तो यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे एक कंप्रेस फाइल मिलेगी, उस यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एंड एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे केएमई कॉन्फ़िग को ओपन करना है। तो यहाँ पे हमारा जो केएमई कॉन्फ़िग है ये ओपन हो गया है, एंड अभी हम इसमें जो 3 लाइन्स है इस पर क्लिक करेंगे। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको क्या होगा कि यहाँ पे कनेक्ट विद केएमई डिवाइस, मतलब कि अपने जो डेवलपमेंट बोर्ड होता है जो हमारा ESP32 है, इस ESP32 में हमने क्या किया है कि अपना टाइप्स जो हमारा ESP32 अपने लैपटॉप के साथ सिंपली केवल कनेक्ट किया है। एंड कनेक्शन करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे अपने पोर्ट को सिलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पे हमारा कॉम पोर्ट यहाँ पे 25 शो हो रहा है, तो यहाँ पे कॉम पोर्ट मतलब कि हमें सेलेक्ट किया है। एंड इसके बाद यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। एंड कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमको अपलोड फर्मवेयर, मतलब कि फर्मवेयर को अपलोड करना होगा यहाँ पे। तो सो वेट, यहाँ पे जैसे ही हमारा डिटेक्शन होता है एंड अपलोड जो हमारा फर्मवेयर है वो अपलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फर्मवेयर अपलोड होना स्टार्ट हो गया। एंड ओके गाइस, तो यहाँ पे अपलोड सक्सेसफुली होने के बाद यहाँ पे हमको डिवाइस आईडी मिल जाएगी, ये हमारी डिवाइस आईडी है। तो इससे ये मतलब होता है कि हमारा जो फर्मवेयर है वो सिंपली मतलब कम्प्लीटली अपलोड हो गया है। एंड अभी हमारा जो मेन चीज़ होता है यहाँ पे हमको यूज़ करना है, मतलब कौन कितने रिलेज को यूज़ करना है, क्या चीज़ें कैसे यूज़ करनी है, सारी चीज़ें यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम रिले पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर प्लस के आइकन पर हमने क्लिक किया। तो हमारे पास यहाँ पर हम थ्री हमारे पास 4 चैनल का रिले है, तो यहाँ पे हम उस चैनल 4 चैनल के रिले को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 4 रिले यहाँ पे ले लेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमने 4 रिले को लिया। अब यहाँ पे स्विच को हम 1 स्विच 1 2 3 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे 4 तो कर दिए, लेकिन यहाँ पे हम अगर जैसे कुछ कोई एक्स्ट्रा रिले ले लेते हैं उसका यूज़ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे एज इट इज इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमको अभी क्या करना होगा कि यहाँ पे पिन को सिलेक्ट करना होगा कि हम किस पिन में अपने रिले को कनेक्शन करना चाहते हैं।
तो यहाँ पे हमने 5 सिलेक्ट कर दिया, मतलब 5 ऑलरेडी सिलेक्ट है डिफ़ॉल्ट में। यहाँ पे पिन नंबर 2 को मत सिलेक्ट कीजिएगा, थोड़ा सा उसमें ये होता है कि जो हमारे डिफ़ॉल्ट में वाईफाई के लिए यूज होता है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में हमारा जो कनेक्शन होता है, मतलब जो हमारा ऐप के साथ ये कनेक्शन होता है उसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हमने 5 यहाँ सेलेक्ट किया, 5 पिन नंबर सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे हमको एक्टिव लो, मतलब कि रिले जो है हमारा लो रहना देना चाहते हैं या फिर हाई। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अगर आप मैनुअल स्विचेस का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्टिव लो ही रहने दीजिए। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा इनपुट जो भी, मतलब कि हमारा जो स्विच रहेगा उस स्विच पर हम कौन से स्विच, मतलब कि कौन से पिन से उसका इनपुट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं कोई सा भी ऐसे सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे 13, मतलब जो 13 ऑलरेडी सिलेक्ट है। एंड उसके बाद यहाँ पे इनपुट टाइप हमारा स्विच होगा या फिर पुश बटन होगा, तो यहाँ पे स्विच ही हम कर देंगे, मतलब कि हमने स्विच का यूज़ करना है तो यहाँ पे स्विच क्लिक कर दिया। एंड यहाँ पे हम आइकन्स को भी चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सारे आइकन्स यहाँ पे, काफ़ी अच्छे अच्छे आइकन्स हैं, तो यहाँ पे आइकन्स को सिलेक्ट कर देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और होती है जो हमारा कौन सा, मतलब कि बटन को यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम स्विच का बटन यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। एंड ऐसे ही आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं सारे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना कि जो पिंस रहेंगी वो सेम नहीं होनी चाहिए। एंड इतना करने के बाद आप लोगों को करना क्या होगा, ये कोड को यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। और एक चीज़ और, यहाँ पे इस जो आपने सेटअप बनाया है इसका सेव भी कर सकते हैं, इस तो सेव पे क्लिक करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इसको हम अपलोड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो गया। एंड तो चलिए अपने स्मार्टफोन में सेटअप करके LED को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले अपने ऐप स्टोर को ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे KME स्मार्ट सर्च कर देना है। KME स्मार्ट जैसे ही आप सर्च करेंगे तो पहले नंबर पे ये ऐप आप लोगों को मिल जाएगा, इसको ओपन कर लेना है। एंड ओपन करने के बाद बेसिकली यहाँ पे अपने लॉगिन डिटेल्स को फिल कर देना है एंड लॉगिन हो जाना है। एंड जैसे ही यहाँ पे आप लोग लॉगिन होंगे तो लॉगिन होने के बाद यहाँ पे कोई भी डिवाइसेस नहीं दिखेंगे। एंड अगर आप लोगों ने पहले से कोई डिवाइस यहाँ पे ऐड करके रखे तो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम लॉगिन होते हैं, तो लॉगिन होने के बाद यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले मुझे ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है। एंड ऐड डिवाइस पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका डिफ़ॉल्ट में पासवर्ड रहेगा, मतलब वाईफाई का SSID रहेगा, वो ले लेगा। एंड पासवर्ड में जो भी आप पासवर्ड देना चाहते हैं, जो भी आपका पासवर्ड रहेगा वाईफाई का, वो पासवर्ड यहाँ पे दे सकते हैं। एंड जैसे ही पासवर्ड को देते हैं तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। एंड कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये सर्चिंग होने लगेगा। उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ और करनी होगी, जो हमारा ESP32 होगा उस ESP32 में जो बूट बटन होती है उसको 2 सेकंड के लिए थोड़ा सा प्रेस करना होगा। जब हमारा बूटिंग मोड में आ जाएगा, जो हमारी LED रहेगी वो ब्लिंक करने लगेगी, तब जाके हम ये चीज़ें, मतलब कि तब जाके हमारा ये शो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें, ये प्रोसेस कर लेना है। एंड करने के बाद यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ऐड डिवाइस का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे जो हमारा डिवाइस है वो 3 स्विच का है, तो यहाँ पे हम ऐड डिवाइस पे क्लिक कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे कि आप कोई भी अपना नाम दे सकते हैं, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम सेव पे क्लिक कर देंगे। एंड सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लूटूथ को, कनेक्शन को हमको ऑन करना होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा जो स्मार्ट होम है वो सारी, वो जो हमने जितने भी सारे LEDs को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए ऐड किया था स्विचेस को, वो सारी दिखने लगी। एंड यहाँ पे हम एक ही बार में सारे स्विचेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक स्विच को ऑन ऑफ करके चेक करते हैं, तो ऑन ऑफ। और यहाँ पे शेड्यूल का भी ऑप्शन है। एंड शेड्यूल पे क्लिक करने, शेड्यूल में आप जो भी जितने भी टाइमिंग से देना चाहते हैं, जितने भी आवर पे ये सारे से, मतलब कि एक्शन करवाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें करवा सकते हैं। ऐड एक्शन पे क्लिक करके जो भी टाइमिंग पे करवाना चाहते हैं और जो भी डे पे करवाना चाहते हैं वो भी चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑल स्विचेस को ऑन ऑफ तो कर ही सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप लोगों ने केमी स्मार्ट का यूज नहीं किया है तो कंप्लीट सेटअप मैंने बता ही दिया है और उसका एंड्रॉयड ऐप और iOS ऐप दोनों मिल जाएगा। आप लोग नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उसका यूज करिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक याराना यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।